कहाँ चल दिए? हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल से प्यार हो गया लगता है आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा, माउंटेन तो वही बच गया बस। अच्छा, और क्या प्लान है? हिमाचल प्रदेश में हम जाएंगे धर्मशाला। हाँ, यहाँ पे नहीं लेंगे धर्मशाला। अच्छा, क्या लेंगे फिर? छोटा प्यारा सा होटल ले लेंगे अपने बजट के अनुसार। अच्छा, और जा कैसे रहे हो? बस से, जिंग बस हमने की है और जो कि मिली हमें मजनू का टीला। अच्छा द्वारा। अच्छा अच्छा, और बस का वेट हो रहा है? बस का वेट हो रहा है जिंग बस का, और 10 बजे की। हाँ, 10 बजे के करीब आएगी वो। अच्छा अच्छा, ऐसी कोई दिखेगी बस? अच्छा, तो बस के अंदर से भी दिखाएंगे आपको कैसी हमारी बस। बस आन दो एक बार, और इस पूरे सफ़र में बने रहिए हमेशा की तरह, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। घुमंतू गर्ल्स, थैंक यू। देख रहे हैं, ये है हमारी बस जो आ चुकी है हमारे स्टैंड पे। ये देखिए, देख लीजिए बस कुछ ऐसी दिखती है। अब अंदर से दिखाएंगे आपको कैसी है हमारी ये बस। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए हमारी बस अंदर से कुछ ऐसी सीट्स हैं, इस टाइप की सीट्स हैं। तो सीट्स तो इसकी बढ़िया लग रही है। देखते हैं कंफर्टेबल कितनी है। फुल एसी है गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम अपनी सीट पर बैठते हैं। हम रुके हैं कहीं पे नाल के पेट्रोल पंप के यहाँ पर, और जिंग बस है। ये है हमारी जिंग बस हिमाचल धर्मशाला। पहुँचने वाले हैं, 8 बजे तक पहुँच जाएंगे ना, 8:30। बैठे बैठे हमारी कमर वमर सब दुख गई है। ये रास्ता देखिए, है ना ब्यूटीफुल। तो हम धर्मशाला चल के खाएंगे कि हम कहाँ रुकने वाले हैं। सीक्रेट गाइज, हम आ चुके हैं धर्मशाला और अब हम जा रहे हैं अपने होटल। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, कल मेरा बर्थडे है। अच्छा, और ऐसी चढ़ाई खड़ी, ये देखिए खड़ी चढ़ाई, लेकिन बहुत ही गर्मी है, ब्यूटीफुल है, बट नॉर्मल है। दिन में तो गर्मी ही है। ये आ गया हमारा फ्लाईवे हॉस्टल जहाँ हम रुकेंगे। तो चलिए चलते हैं, बहुत थक गए हैं। जाके अब रेस्ट वेस्ट करके तैयार होके फिर हम जाएंगे घूमने। तो आप बने हमारे साथ। ये देखिए गाइस, हमें बड़ी सी बोतल मिली है। आप इस बोतल को पीना चाहते हैं? पीछे के तो पियेंगे हम, इसको पियेंगे दांत को। अच्छा, और देखो ये कितना चला गया पीछे जो होटल है। आपकी आवाज नहीं निकल रही सही से। चढ़ाई देखो आप ही बड़ी दिखाई मैंने, चढ़ाई खड़ी चढ़ाई। चलो कोई नहीं, अब हम जाके रेस्ट करेंगे। जाओ, हमें दोबारा चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो स्टेयर्स देखो। ये स्टेयर से हमें जाना है ऊपर, तो चलिए। आइए,
ये देखिए हमें एक डॉगी ने स्वागत किया है, अंदर का देखते हैं। देखिएगा ये यहाँ का कैफे है जो कि कितना ही क्रिएटिव सा है। बोर्ड पे बैठ के हम अभी चाय पी रहे हैं, अभी हमारा चेक इन का टाइम नहीं हुआ है जो कि 10:30 बजे है। देखिएगा इस यहाँ का हमारे जो होस्टल है उससे बाहर का व्यू, माउंटेन्स ये है कि टेरिस ब्यूटीफुल। देखिए गाइस हमें फाइनली हमारा रूम मिल गया है। ये देखिए ये तो ऊपर चढ़ के बैठ गए, ये बंक बेड है। अच्छा क्यूट है ना, क्यूट है, बहुत मस्त है, सॉफ्ट होता है। बालकनी भी है, ये हमारा ओन रूम है। ये देखिए पूरा हमारा रूम है, ये बालकनी देखिए, हमारा फुल प्राइवेसी, अपना यहाँ का व्यू देखिए इतना ही ब्यूटीफुल सा है। यहाँ बॉन फायर भी कर सके, ये देखिए है ना बढ़िया सा रूम, हॉस्टल डेज की याद दिलाता है। हेलो गाइस, हम लोग हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं अब थोड़ा धर्मशाला और मैक्लोडनगंज घूमने। मैक्लोडनगंज हाँ वही तो, हाँ, यहाँ पे झरना है वो, अरे नाम भान सुन, भान करके कुछ हाँ, तो वो देखने जा रहे हैं वेदर। चलिए सो गाइस देखिए कितना प्यारा वेदर हो रहा है मैक्लोडगंज का, और हम यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे जाएंगे झरने पर, बहुत प्यारा वाटरफॉल है। पहले कुछ खाएंगे हम, उसका नाम भान सुन करके है, मैं अभी कंफर्म करके आपको डेफिनेटली बताने वाले हैं। देखो आप वेदर देखो कितना प्यारा है, एंड राइट नाउ अभी कितने बज रहे हैं, 12:44 हो रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैक्लोडगंज, ब्यूटीफुल कैसा लग रहा है, ब्यूटीफुल लाइक यू। ये देखिए गाइस यहाँ की शॉप्स हैं जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं, ऐसी चीज़ें क्यूट सी चीज़ें देखिए, यहाँ ज़्यादा महंगा नहीं है। ये देखिए ये चीज़ें आप खरीद सकते हैं इस शॉप से, ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, नाइस। ठंड के कपड़े भी ले सकते हैं। ये है भागसू टेम्पल और ये स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, ये लेके सब नहा रहे हैं ऐसे वेदर में मज़े ले रहे हैं। इसका नाम है भागसू नाग। अच्छा टेम्पल है और ये स्विमिंग पूल है जिसमें नहा सकते हो, और ये है वाटरफॉल जाने का रास्ता। चलो चलो यहाँ भी मार्केट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती है, कपड़े वगैरह देख सकते हैं। 200, 350 ये ड्रेस अच्छी लग रही है। ये है वाटरफॉल जो बहुत हद तक सूख चुका है, थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, देखिए और बोरा बोरा बोरा।
देखिए गाइस, एक छोटा सा एक मैसेज जिससे कि लोग प्लास्टिक ना फैलाए इधर उधर। कैसा लगा आपको ये आइडिया? नाइस आइडिया। बारिश गड़गड़ हो रहे हैं और लगता है बारिश आ भी गई है। वो है, हम जल्दी से चलते हैं ऊपर। हबीबी लग रहा है, वो हबीबी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स हैं, कुछ स्नान वगैरह कर रहे हैं और ड्राइंग पिक्चर्स। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है और रास्ता जा रहा है जो टूट चुका है, और ये जाते जाते एक ऊपर टेंपल के जाकर मिलता है हेज़ल। सो उधर है, ओहो हो। और हमारी मैडम जो रियल आपको से दिख रहा है वो शायद कैमरे में ना दिखे, यहाँ की खूबसूरती सही लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ब्यूटीफुल एज एवरीथिंग। वन मोर। देखिए भाई, कैप्टन की बना रखी है। और कुछ चीज़, जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं और वाटरफॉल की खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही है, बहुत ही खूबसूरत। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ही रह गया रास्ता। देखिए अब, देखिए गाइस, ये है झरना। फाइनली हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल। खूबसूरती में कमाल। तो आवाज़ भी आ रही होगी, ये मैसेज आता है वाटरफॉल। अमेजिंग।